सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आपके लिए विविध की अगली टेबल, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में प्रथम पुरुष। भारत में प्रथम पुरुष, इससे पहले वाली टेबल में हमने पढ़ा था भारत में प्रथम महिला। आज हम इसकी अगली टेबल स्टार्ट करते हैं। सो हम चालू करते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? तो वो था श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। एक दो बार इनको रिवाइज कीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगी। प्रथम चीफ ऑफ एयर मार्शल सर थॉमस, प्रथम चीफ ऑफ एयर मार्शल कौन थे? एयर मार्शल सर थॉमस। एयर मार्शल सर थॉमस, आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हो, केवल सर थॉमस, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल सर थॉमस। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ सर थॉमस। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष तो एस मुखर्जी। वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एस मुखर्जी। और नौसेना के अध्यक्ष कौन थे? कटारी, आर डी कटारी। कौन थे? आर डी कटारी, आर डी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एस राजेंद्र सिंह, जनरल एस राजेंद्र सिंह। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? जनरल एस राजेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। कौन थे? जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह। कौन थे? जनरल मानिक शाह। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह। और प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। कौन थे? जनरल करियप्पा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर। लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था?
गणेश वासुदेव मालवंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। करंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। यहीं से एक प्रश्न उठा के पूछा था एमपीपीएससी में। काम कई कौन सी एग्जाम में पूछा था? एमपीपीएससी में कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन है। ठीक है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया कौन थे? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम न्यायाधीश कपाड़िया, न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया कौन थे? न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कपाड़िया, सुरेश होमी कपाड़िया। कौन थे? सुरेश होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामाराव। कौन थे? बेनेगल रामाराव। कौन थे? बेनेगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन है? कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। हम इसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ तक तो आप अच्छे से याद कर लिए होंगे। राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री। ठीक है, यहाँ से मेन आपको दिक्कत आएगी। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? अबुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? श्याम प्रसाद मुखर्जी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? सर थॉमस। वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी। नौसेना अध्यक्ष आर डी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ सर थॉमस, वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी, नौसेना अध्यक्ष आर डी कटारी। कौन थे? आर डी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत का कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल करियप्पा। कौन थे? जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह। फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह, जिनके ऊपर अभी एक मूवी बनी थी मानिक शाह। ठीक है, कौन थे? फील्ड मार्शल मानिक शाह। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर। लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? गणेश वासुदेव मालवंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर।
भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, न्यायमूर्ति कपाड़िया। कौन थे? सरोज होमी कपाड़िया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो स्वतंत्र भारत में जन्मे न्यायमूर्ति होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। कौन थे? नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। कल हम लेके आएंगे भारत में प्रथम पुरुष की अगला पार्ट, जिसमें हम आपको आगे के पॉइंट याद कराएंगे। इस टेबल, इस पार्ट में हमने आपको इसी टेबल के 25 पॉइंट याद कराए। कितने कराए? 25 पॉइंट। आप इनको अच्छे तरीके से याद कीजिए, फिर कल अगली वीडियो में इसके आगे के पॉइंट लेके आएंगे। क्योंकि एक दिन में हम अगर पूरी टेबल याद करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, हमें इसको पार्ट में याद करना पड़ेगा। ठीक है?